हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पुष्पा रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी देखिए मॉर्निंग की शुरुआत, देखिए मॉर्निंग के मॉर्निंग वॉक से ही स्टार्ट हो रही है। तो मैं उधर टहल रही थी तो मैं राउंड लगाऊंगी। मैं 4 राउंड लगाई थी और अंकित बैठा था तो वो वीडियो कर रहा था। तो सुबह के टाइम देख सकते हो कि कितने सारे भीड़ है, और अभी कम भीड़ था तो कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी अभी कुछ देर बाद। तो देख सकते हो आकृति भी आई थी हमारे साथ, वो लोग वो बैठे थे। वो डालना चाहिए ना, देखिए हमारे साथ जो जो आए हैं तो दिखाओ। हेलो, हाय गाइस, अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे हैं। कहाँ है अभी बैठी? तो हम लोग रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो देख सकते हैं जितनी भी लेट हो रही है उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। तो निकल गए हैं, अब घर निकल जा रहे हैं। अब बहुत अभी दिख रहा है। तो देखिए हम लोग घर पहुंच गए हैं और मैं ब्रश कर ली हूँ, और आज मेरे साथ मेरा बेटा बेटी दोनों गए थे। तो देखिए अंकित अभी पढ़ाई कर रहा है, छूट गया है, उसको मिला है तो जाने। आज ये पढ़ाई भी कर रहा है, आ गया है, ये साइकिल लेके गया था। और इधर देखिए एक मोबाइल चला रही है। और मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि मेरा आदत है चाय पीने का। मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक मेरा कुछ काम नहीं होता है। तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं अपना घर की सफाई करूँगी, तो फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैं अपनी सफाई में लग गई हूँ, और मैंने जो मेरे फूफा के पापा रेस्ट कर रहे थे, डीपी से आए थे, तो देख सकते हो मैं गर्म पानी ले ली थी और आकृति मुझे सर डिटर्जेंट दे दी है, तो मैं उसको डालूँगी। और मैं जो फ्लावर सब है जो गंदे हो गए थे तो मैं उसको गर्म पानी में डाल दूँगी कुछ देर, तो वो साफ़ हो जाएगी। तो मैंने बोली कि साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, अंदर से मैं झाड़ू लगा के ही निकल रही थी। और अंकित भी पढ़ाई करके वो भी सो गया, क्योंकि आदत नहीं है उन लोग को सुबह उठने के लिए उठने का, तो वो लोग जिद पकड़ लिए थे कि हम लोग भी जाएंगे। तो वो अंकित साइकिल से गया था और आकृति कुछ देर पैदल चढ़ी, उसके बाद उसमें वो भी साइकिल में ही आ गई। तो सुबह हम गया था, मतलब मेरा बड़े जेठ का बेटा, तो वो उनको आकृति को गाड़ी साइकिल में बैठा लिया था, तो वो भी आ गई है, तो वो भी सो जाएगी कुछ देर बाद। और अंकित पढ़ाई करके ही सो गया था, क्योंकि उसको 9 बजे ट्यूशन था। और देख सकते हो कि मेरी सफाई हो रही है, और मैं वैसे ही पोछा ओछा लगा लूँगी, और इसको मैं खुल खुल दे छोड़ दी। और देख सकते हो मैं झाड़ू पोछा लगा ली हूँ और मैं नहाने के लिए निकल पड़ी हूँ। तो देखिए मैं नहाने के समय मैं बोली कि चूल्हा को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, जिस तरह गैस की सफाई करते हैं तो इसका भी सफाई करना पड़ता है। तो देखिए मैं मिट्टी और गोबर की से निप रही थी, और मैं आ गई हूँ नहा धो के। उसके बाद मेरा पूजा हो रहा था, मैं पूजा पाठ कर लेंगी, उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाऊँगी। था जिनके पापा नहीं गए थे वो हम लोग कहीं और कुछ जाने का प्लान बन गया था, तो वहीं जाने वाले थे। तो देखिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और मैंने कुछ पूड़ियाँ तल दी थी, कि बच्चे लोग को मैंने सोची रोटी नहीं बनाऊँगी, तो मैं मुढ़ी ही और चना की सब्ज़ी ही चलेगा। तो बच्चों के लिए मैंने कहा कि नहीं पूड़ी में बर्तन तल देती हूँ, तो मैं देखिए पूड़ी भी तल दे रही हूँ। और इनके पापा नहाने के लिए चले गए थे, तो वो आएंगे तो मैं तब तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अंकित ट्यूशन चला गया था और आकृति सो गई है, क्योंकि उन लोग को सुबह उठने का आदत नहीं है तो वो सो गई है। तो देखिए मैं अपना ब्रेकफास्ट, मेरा सब्ज़ी भी बन गया, तो मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। चना और मुड़ी अच्छा लगता है खाने में, चना और मुड़ी चलेगा हम लोग का ब्रेकफास्ट में। पीछे नहा के आ गए थे, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट लगा दे रही थी, और मैं भी नहा के आके कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि अब गर्मी पड़ गया तो ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं करता है। तो देखिए मैं चने और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और मैं मुरमुरे दे दी थी, मतलब मुढ़ी, और मैं कुछ पूड़ियाँ उनको दे दूँगी। और आकृति को मैं उठाई तो वो नहीं उठी, तो मैं उनके पापा को भी लगा दूँगी और मैं भी खा लूँगी। और अंकित भी अभी आया नहीं था, तो बोली कि मैं इनके पापा को, देखिए मैं ब्रेकफास्ट लगा दे रही हूँ। और हम लोग कहीं जाने, और मेरा चावल बना ली थी, सिर्फ सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो मैं कहीं जाने के इनके पापा का तैयारी प्लानिंग बन गया था, तो मैं वहीं निकल पड़ी हूँ। और देख सकते हो, देखिए आगे मेरे वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए मैं निकल रही हूँ, और मैं पानी वानी ले ले रही हूँ। और अंकित को भी, अंकित बोला, अंकित को नहीं ले गई क्योंकि बहुत धूप था, और बोली कि मैं, वो बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो देखिए मैं निकल रही हूँ,
और धूप इतना कड़ा था। और देखिए हम लोग निकल के कहाँ आ गए हैं। तो ये हम लोग आकृति के प्लानिंग कर रहे हैं कि किस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे देवर काम करते हैं, तो मैं यहीं पे आ गई थी, सोची कि मैं यहीं एडमिशन करवाऊँगी। तो देखिए अभी कोई प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे स्कूल स्कूल को देखने के लिए। और वो देवर मेरा दिखा रहा था, तो देवर मेरा यहीं काम करता है, हम लोग का देवर मेरा गांव का ही देवर है, अपने ही हैं। तो देख सकते हो कि बाहर का नज़ारा स्कूल का, तो वही मेरा वो दिखा रहा था। स्कूल बहुत ही प्यारा था और अच्छा भी है। तो अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं, 50-50 में भी चल रहा है हम लोग का डिसीजन। चावल बना के गई थी तो हम लोग घर आ गए थे, तो मुझे अभी कुछ सब्जी बनाना है, तो मैं कुछ सब्जी बना लूँगी। और अंकित घर में गया था, उसको लेके मैं नहीं गई थी, और मैं सब्जी लाई हूँ। देखिए तो ये सब्जी लाए हूँ, इसे धो लूँगी। अभी कुछ सब्जी और भी है, आज ये खाना बनाने वाले हैं। मैं उनके पापा को मजाक से कर रही थी कि वो आज खाना बनाने वाले, तो देखिए मेरा बैगन कैसा हो गया था। तो और इधर मैं कद्दू लाई थी, करेला लाई थी, मिर्च लाई थी, तो मैं उसको अच्छे से बोली कि धो लूँगी और रख दूँगी। और उसके बाद मैं करेला, उनके पापा ही काट दिए थे, तो मैं करेला फ्राई कर दूँगी। उनके पापा बोले करेला फ्राई कर दो। तो कल हम लोग का बृहस्पतिवार है, तो हम लोग तीता उस दिन नहीं खाते हैं, तो आज ही करेला बना दिए मैं और फ्राई कर दी हूँ, और आलू का चोखा। और मैं चावल तो बना के गई थी और दाल बना दी थी। और मुझे प्लानिंग था कि मैंने आज लहसुन की ग्रेवी बनाऊंगी, तो मैं देखिए वहाँ करेला भून रही हूँ और मैं दाल में छोक लगा रही हूँ। मेरा चोखा भी तैयार हो चुका था, और मैं देखिए लंच तैयार हो गया है। तो देखिए प्याज की ग्रेवी और चोखा और करेला। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर।